गाइस वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की मेरी वीडियो है करंट अफेयर्स पे बेस्ड, तो आपको इसमें अगस्त एंड सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसके साथ जो लोग मुझसे बोल रहे हैं कि 8 मंथ्स के करंट अफेयर लाइए, तो बिल्कुल वो वीडियो भी जल्द ही मैं ला रही हूँ, बिकॉज वो वीडियो जो होगी तो मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि वो वीडियो लगातार आपको उस टाइप की मिल जाए जिसमें मैं कुछ करंट अफेयर्स लेके आऊँ। बट इसके साथ साथ ही आपके लिए ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करूँगी मैं कि 1 महीना या फिर 2 महीने की इस तरह से मैं कोई वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको 1-2 महीने के लगातार करंट अफेयर मिल जाए। और क्योंकि ऐसे मुझे काफ़ी सारी वीडियोस बनानी होंगी क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट हो नहीं पाता है, बहुत सारा डेटा है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा डेटा है करंट का। तो मैं चाहती हूँ कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाए, इसके लिए मैं जितनी कोशिश कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए बस आपको इतना करना है कि मेरे इस चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस। इसके साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको सारी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देख सकते हैं आप कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनके बारे में लिखा है। अभी हाल में न्यूज़ आई थी कि जैन मुनि तरुण सागर का निधन हो गया था, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बड़ी शख्सियत का या जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहते हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है तो वैसे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रखे जाते हैं। तो अगर ऐसी किसी हाल में किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी या भी जो भी रिलीजन से कोई जुड़ा हो बड़ा व्यक्ति या फिर कोई म्यूजिशियन कोई एक्टर जो भी कुछ ऐसा हो जिसके अगर हाल में ही डेथ हुई है तो आपको उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं पेपर में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, जैन मुनि तरुण सागर द्वारा दिए गए प्रवचनों को किस नाम से जाना जाता है? तो नाम तो मैं बता दे रही हूँ कि उनको कड़वे प्रवचन बोला जाता था। इसके साथ आपको बता दूँ कि ये जो जैन मुनि तरुण सागर हैं इनकी 51 वर्ष में डेथ हुई है। तो इसके साथ साथ जान लेते हैं कि ये जो है इनका रियल नेम नहीं है, इनका रियल नेम पवन कुमार जैन था और जैन मुनि तरुण सागर क्योंकि ये मुनि बन गया था तो इनका ये नाम रखा गया। एंड ये दिगंबर साधु हैं, जैसा कि दो मुख्य धाराएं होती हैं दिगंबर और श्वेतांबर। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो जैनियों के बारे में आप ये जानते होंगे, बाकी हम हिस्ट्री में डीप बातें करेंगे फिलहाल। तो ये दिगंबर मुनि थे और इसके साथ साथ 51 वर्ष में इनकी डेथ हुई और इनके जो प्रवचन हैं उनको बोला जाता है कड़वे प्रवचन। कड़वे प्रवचन, कड़वे क्यों? क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं ना कि बोलते सत्य कड़वा होता है और वो जो चीज़ें बोलते थे वो काफ़ी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे, मैंने भी देखा है एक आध बार, तो काफ़ी अच्छे मुनि थे हम लोग बोल सकते हैं। एंड अगर आपको इनके बारे में कुछ और नॉलेज टाइप का मिलता है तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, बाकी इतना सफिशियंट है एग्जाम के लेवल से। नेक्स्ट, एशियाई खेल 2018 में मुक्केबाजी में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। अभी आप जानते हैं कि एशियाई खेल हुए थे तो इनके बारे में तो जितना डीप आप पढ़ लो उतना ही अच्छा है क्योंकि जो भी ये गेम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में आने वाले हैं। तो एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं जो भी ये एशियाई गेम्स हैं उनसे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन होंगे, बाकी इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं उससे तो आपको हेल्प मिलेगी मिलेगी। उसके साथ साथ एक वीडियो नेक्स्ट में नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट हो या फिर उसके अलावा जिस भी दिन आएगी उसमें आपको सारा जो जितना भी एशियाई गेम्स से रिलेटेड है वो सब आपको मिल जाएगा, सारा का सारा डेटा। तो देख लेते हैं कि कौन से जिन्होंने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, उनका नाम है अमित पंघाल। अमित पंघाल, तो इन्होंने मुक्केबाजी में यानी कि बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में इस्पात मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? इस्पात मंत्रालय का यानी कि आप समझ सकते हैं ना, इस्पात यानी स्टील, तो स्टील एसोसिएशन का किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है बिनॉय कुमार। ये सारी चीज़ अगर अभी नए कुछ भी बनाए जाते हैं बैंक के मुख्य सचिव, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बैंक के अध्यक्ष कौन बनाए गए, मुख्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन बनाए गए, नया अगर कुछ भी ऐसा किसी को नियुक्त किया गया है तो उस बारे में भी आप पढ़ लीजिए, वो सारी चीज़ें भी आती हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI का सबसे बड़ा स्रोत
देखिए अभी हाल ही में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो सबसे बेटर चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें जितनी हैं इनमें से काफ़ी कुछ डेटा जो मेरा है वो न्यूज़पेपर का पड़ा हुआ है। तो ये जो डेटा है उसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा था, तो सबसे जो बोल रहा है कि सबसे बड़ा निवेश किसने किया है तो वो है मॉरिशस। आप जानते हैं कंट्री है मॉरिशस। तो मॉरिशस का निवेश जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, लगभग 13.41 अरब डॉलर का। तो बाकी बात कर ले कि सेकेंड नंबर पे कौन है, तो सेकेंड नंबर पे सिंगापुर रहा है, तो 9 point something ऐसे कुछ है, 9.23 है, मुझे थोड़ा सा उसका डेटा कंफर्म नहीं है, लेकिन सेकेंड नंबर पे जो है वो सिंगापुर है। बाकी ये जो फर्स्ट नंबर पे है वो मॉरिशस रहा है। किस मामले में? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्थर परेरा का निधन हुआ, वे किस खेल से जुड़े थे? मैंने बोला कि निधन अगर किसी भी प्लेयर, किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी का होता है तो वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आर्थर परेरा की बात की गई है जो कि एक खेल से संबंधित थे। किस खेल से संबंधित थे ये भी जान लेते हैं। फुटबॉल से संबंधित थे और महाराष्ट्र से संबंधित थे, मतलब कि वो महाराष्ट्र के, हम बोल सकते हैं एक तरीके से एक्स फुटबॉलर थे। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि किस खेल से जुड़े थे, तो बस हमें लिख देना है फुटबॉल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य जीता? इसमें मैंने थोड़ा सा एक चीज़ नहीं लिखी है कि किस, कौन सा खेल की बात की जा रही है, एशियाई गेम्स की ही बात की जा रही है। तो जितने भी गेम्स की बात की गई है वो सब मैंने एशियाई गेम्स के ही दिए, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा गेम है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य जीता ये पूछा जा रहा है एशियाई गेम्स में। तो एशियाई गेम्स में आप जानते हैं भारत एंड पाकिस्तान के बीच मैच हुआ और उसमें भारत की जीत हुई, 2-1 से हरा दिया भारत ने। तो किस देश को हरा कर जीता, तो हराया वो देश पूछ रहा है, तो वो हो गया पाकिस्तान। तो हॉकी में भारत की विजय हुई। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। गोपाल बोस जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे क्रिकेट से, और जैसा कि आप इनकी कास्ट देख के समझ सकते हैं बोस तो बंगाल से भी रिलेटेड थे, तो बंगाली जो क्रिकेट टीम थी उसमें ये थे। तो बस हमसे इतना पूछा गया है कि किस खेल से, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। इस तरह से थोड़े से बोल सकते हैं कि फैक्ट बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत कोई टफ नहीं होते, लेकिन बस ये है कि आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सुनते नहीं हैं, बहुत ही रेयर केस ऐसे होते हैं। अब देखिए सचिन का नाम, धोनी का नाम, विराट का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन ये सब नाम जो है हम लोग नहीं जानते, और मोस्टली क्वेश्चन ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा बनते हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनकी समझ लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम नहीं है लेकिन एक अच्छे खासे वो अपना अस्तित्व रखते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्वेश्चन बहुत बनता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आखिर पैटर्न क्या होता है, माइंड में क्या चलता है, जो पेपर सेट करता है उसके माइंड में क्या चलता है। अगर आप सेट करेंगे तो आप क्या रखेंगे, ये चीज़ भी सोचा करिए कि आप किस तरह के क्वेश्चन उठाना पसंद करेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होंगी, क्योंकि जो भी पेपर सेट करता है वो चाहता है कि एक लेवल जो हो वो अच्छा खासा हो। नेक्स्ट, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप किसने जीता? तो फीफा यहाँ पे अंडर 20 वुमेन्स कप की बात की जा रही है, जीता है जापान ने। और हराया किसे? स्पेन को। तो जीतने वाली टीम पूछी जा रही है तो जापान। नेक्स्ट, राज्य में टैलेंट की खोज के लिए ओडिशा सरकार ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो टैलेंट यानी कि प्रतिभा की खोज के लिए पूछा जा रहा है, तो प्रोग्राम का नाम है, थोड़ा सा नाम अजीब है, आपको अच्छे से लर्न करना है, मू हीरो मू ओडिशा। इसका मतलब भी मैं बता दे रही हूँ क्या मतलब है, मू हीरो मू ओडिशा, मतलब कि मैं हीरो और मैं ओडिशा। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, आपको ये चीज़ अच्छे से लर्न कर लेनी है, मू हीरो मू ओडिशा, ये प्रोग्राम ओडिशा में टैलेंट की खोज के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुती चंद, इनके बारे में आपने सुना होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने कई बार पढ़ा होगा।
एशियाई खेल 2018 में महिला वर्ग की 100 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता वे किस राज्य से संबंधित है? तो राज्य पूछा गया है, ये भी संबंधित है ओडिशा से, यानी कि उड़ीसा से। इनके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा बैन मैन लग गया था जब ये खेल रही थी, तो जो भी रीज़न हो क्लियर पता नहीं, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने चुनौती दी और फिर उसके बाद अब ये फिर से गेम में उतरी और जीता, और अच्छी बात है अगर आपको आगे बढ़ते रहना ही चाहिए। तो गाइस बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि मैम स्क्रीन शॉट ले लेने दिया करिए, तो बिल्कुल आप स्क्रीन शॉट ले लिया करिए, एक फ़ोटो में लगा दूँगी, आप उसका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। बाकी हम फिर से एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैनमुनि तरुण सागर द्वारा दिए गए प्रवचनों को किस नाम से जाना जाता है? कड़वे प्रवचन। एशियाई खेल 2018 में मुक्केबाजी में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता अमित पंघाल। हाल ही में इस्पात मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए डाटा के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत मॉरिशस। हाल ही में आर्थर परेरा का निधन हुआ, वे किस खेल से जुड़े थे? फुटबॉल से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य जीता? पाकिस्तान। गोपाल बोस जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप किसने जीता? जापान। राज्य में टैलेंट की खोज के लिए ओडिशा सरकार ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? मू हीरो मू ओडिशा। द्वितीय चंद ने एशियाई खेल 2018 में महिला वर्ग के 100 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता वे किस राज्य से संबंधित हैं? ओडिशा से। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जो क्वेश्चन मैंने दिए थे क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे, बिकॉज क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ के रखे हैं। इसके साथ जो आप लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि प्लीज़ मैम ऐसी कोई वीडियोस बनाना जिसमें करंट अफेयर का पूरा डेटा हो ताकि हम लोगों को आसानी हो सके, तो बिल्कुल उसकी वीडियो आएगी। इसके साथ अगर आप मुझे फॉलो करते हैं मेरे पेज पे, तो मैं उस पर कुछ ट्रिक वगैरह सब कुछ डाल रही हूँ, मैंने अभी स्टार्ट किया है। पहले से अगर आप किसी पेज को शिक्षा दीक्षा पेज को फॉलो करते हो तो वो फेक होगा, बिकॉज मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है पेज, पहले से मेरा कोई भी पेज नहीं था। बहुत सारे लोग हैं जो फेक पेज बना रहे हैं एंड इंस्टाग्राम पे फेक इंस्टाग्राम बना के मेरा स्क्रीनशॉट डाल देते हैं वीडियो का, तो वो सब कुछ फेक है गाइस। मैं स्क्रीनशॉट नहीं डालती हूँ अपनी वीडियोस का कोई भी, बहुत सारी पोस्ट उन्होंने डाली हुई है तो वो सब फेक है। तो आप लोगों को समझना है क्या फेक है क्या रियल है। इसके साथ आप मुझे फेसबुक पेज पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो शिक्षा दीक्षा फेसबुक पेज है, बिकॉज उसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उसमें डालूंगी। और इसके साथ साथ मुझे ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगी, जो कि बहुत अच्छी वीडियो होगी, आपके लिए बहुत ही खास होगी। मिलते हैं अपनी उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।